गधा पी रही है, चल पी के दिखा। 100 रुपए दूंगी, गौमूत्र होता है हमारे वहाँ शुद्ध हो जाते हैं, इसको पी के तू जितनी शैतानी करती है सब दूर हो जाएगी और तुझमें देवी का अवतार हो जाएगा ना दिव्यांश जी। आज बन रही है गर्मा गर्म चूल्हों पे रोटियाँ, जो बना रही है हमारी मोनू चाची, हमारी आमा और मेरी माँ। के रुपए गुड मॉर्निंग फ्रेंड, और आज गांव में फर्स्ट डे की हमारी हो रही है गुड मॉर्निंग। और सिद्धि रानी की शैतानियां देखते हुए इसको सुबह सुबह बैठाया गया है पढ़ाई में। मेरे पुत्र को भी बैठाया था बट वो गया अभी वॉशरूम। महारानी साहिबा सो रही हैं, महाराज भी सोए हैं, बस ये वाले महाराज जितनी लेट उठे उतना बेटर है। और मम्मी लोग सोए थे यहाँ ऊपर और हम लोग सोए थे नीचे। और ये ऊपर मम्मी की साड़ी दिख रही है आपको, कटन अभी हम लोग के आए नहीं है तो इसलिए साड़ी लटकाई गई है हवा के लिए, है ना। दीपू हंस रही है, कूड़ा देख सकते हो, नए नए पिल्लो कवर कंबलों के हैं। और पता ही है आपको कि अब ये सीधे उठेगा, कल को तीसरे दिन उठाना पड़ता है हवन के ये जितना भी सामग्री होती है। तो ये रूम है एकदम खाली और इस रूम में भी कोई था नहीं। अब चले हम नीचे, मैं चाची सब लोग उठ गए हैं, मम्मी ने भी नहा लिया है, चाची ने भी नहा लिया है और अब हम बहू की टर्न है। और मैं गुद रही हूँ यहाँ पे आटा और बहुत ज़्यादा हो रही है ठंड, इसलिए मैं इतनी पैक हूँ। सुबह सुबह चाय बन चुकी है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी, चाची आए हैं उनको दी है चाय, बच्चों के लिए कॉफी, चाची बना रही है इधर माड़े। और गांव में होता है एक एक लोटा सब जगह से आ रहा है दूध। और सुबह सुबह काम स्टार्ट होने लग गया चाची का, अभी चाची बर्तन धो रही है, फिर चाची झाड़ू लगाएगी, फिर चाची कपड़े धोएगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सो के उठ के आ रही हूँ, ऊपर सारे बिस्तर इस्तर लपेट वो करके आई हूँ मैं। चाची फनी लग रहे हो ऐसे आप, ठीक है, फनी लग सर में टोपी, वहाँ सर में टोपी और क्या कहते हैं इसमें वो दुपट्टा भी कैसे डाला है। रोटी बना रही है यहाँ पे चाची और आमा बना रही है माड़े। बढ़िया बना रही है, सबको काम बटा हुआ है। दो तीन ही बनने वाले हैं इसके ना। ठीक है ठीक है, आज हम बिल्कुल रोटी को नोटा। ओके, आज हम भात नहीं खा रहे हैं, आज हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता मम्मी को, बच्चों को और गेस्ट आए हुए थे उनको करा दिया। बच्चे हैं मैं, चाची और जेठानी दिव्यांशी, हम लोग करते हैं आराम से। मैं बना रही हूँ, हमारे परिवार बड़ा होता है तो नाश्ता भी ज्यादा बनाना पड़ता है। पराठे बन रहे हैं और खाए जा रहे हैं साथ में, माड़ा रायता सब्जी सब कुछ है। बुआ जी आई है और चाची है, सब लोग है, पूरी फैमिली। बहू के हाथ का खा रहे हैं माड़ा परोठा, बहू ने बहुत अच्छा खाना बना रखा है, नाश्ता बढ़िया हो रहा है। खान तक कह लिए पका श्रेय कैसे मिलो मरियो। हाँ मजे कह रही हमारी जिठानी ने भिंडी बना रखा है। और फाइनली अब मैं खाती हूँ खाना और मेरी डाइट देखो फ्रेंड, एक दो पराठा और आधा माड़ा, यहाँ पे रही सब्जी रायता, ये रहा जिठानी जी का। जी बेचारे पिसम रहे सिलबट्टा में भांगो, बस खाओगे चूक चूक खून अल्लाह हम फिर। चाची तो सबको बुला लेती है भाई, अच्छा वो लेके जाते बन के रेडी हो गया। कुछ ज्यादा ही खतरनाक चटक चटक हो रहा है।
अच्छा हो रहा चाची मुझे चटक पसंद है। खाने का काम है अब हो रही है लंच की तैयारी। दही बहुत ज्यादा है क्योंकि गांव वाले सब देके गए थे तो प्रेशर कुकर में मैंने चढ़ा दिया है चावल। इधर कट हो गई है सैलेड के लिए मूली और झोली बनाएगी जिठानी मेरी। मैं चली। खाना बन के हो चुका है तैयार। कढ़ाई बन के बनी है झोली, इधर है सब्जी, इसमें है चावल। अभी खा रहे हैं चाचू गर्वान्वित वल्दिया, सागरिका वल्दिया, दक्षित वल्दिया। है इवनिंग का टाइम और हम लोग जा रहे हैं घूमने गांव की सैर पे। और हम चले घूमी घूमी, बच्चे लोग चले गए थे हमारे अलग रास्ते में और इनके कपड़े इतने खतरनाक वाले गंदे हो रहे हैं। आज तो मैंने नहलाया नहीं क्योंकि आज घर के निपटाने थे बाकी काम जो घर में हो रहे थे और कल नहलाऊंगी मैं इन्हें। कुछ नहीं है वो, आज ये ऐसे हो रहे हैं। चलो घर जो हैं जिन्होंने छोड़ दिए हैं वो ऐसे हो गए हैं बंजर। किसी ने यहाँ पे अपनी घास रखी है और अंदर वाला तो पूरा खाली। किसको बुला रहे हो? ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग इनको तोड़ क्यों रहे हैं। गौरवान्वित क्यों तोड़ रहे हो आप इनको? ऐसे ही आपकी वीडियो के लिए तोड़ रहे हैं। कौन सी वीडियो? मेरी बनाओगे वीडियो? आप क्यों तोड़ रहे हो दी? ओ चंदू दी आप क्यों तोड़ रहे हो? एक पागल वहां लगी है वो। बंदर हम लोगों के पीछे पड़ चुके हैं तो ये इसलिए भाग रहे हैं। नहीं भाग रहे हो, तुम्हें नहीं लग रही डर? और दक्षित रो रहा है कि मम्मा मुझे डर लग रही है। डर लग गई? और अभी थोड़ा सा यहाँ पे आया है मंकी तो ये लोग थोड़ा सा डर रहे हैं नीचे जाने से। ये मम्मी और चाची आ रहे हैं ऊपर वाले घर से, गाने लगा रखे हैं इन्होंने, ये छत पे नाच रहे हैं। हम लोग अभी छत में हैं। ठीक है जाओ फिर वही वाले मंकी आ जाएंगे ना। गवी गवी आप आ जाओ बेटा, आओ फिर जल्दी आओ। ये लोग वो वाले घर में गए हाल चाल पूछने। आओ अब आ जाओ। चाची और मम्मी दोनों गए हैं वहाँ पे, कोई बुद्धि आमा है गांव की उनसे मिलने। पूरे पहाड़ी गेटअप में हूँ और यहाँ हो रहा है बहुत ज्यादा ठंडा। बाहर बैठे आमा लोग, मैं जा रही हूँ उनको चाय देने। और चाय पियो पहले, मैंने चाय बना दी, पहले चाय पी के जाओ। अरे फिर जाओगे, मैंने बना दी ना, कितनी अच्छी बनाई है देखो, कलर से ही पता चल रहा होगा आपको। वो वाली उनके लिए भी बनाई है, मम्मी बुला दो तो वो उनको बुला दो तो। चाय चाय बनाई है मैंने, बनाई है आ जाओ। क्यों वो क्यों नहीं पीते? ये लो ये चाची को भी दो। आओ आप भी आओ। ये जो तेरी पायल की गोदा पी रही है, चल पी के दिखा। 100 रुपए दूंगी। गौमूत्र होता है हमारे वहाँ, शुद्ध हो जाते हैं इसको पी के। तू जितनी शैतानी करती है सब दूर हो जाएगी और तुझमें देवी का अवतार हो जाएगा ना दिव्या जी। ए नहीं करना, वो निकाला है, कल हम बाजार ले जाएंगे। और यहाँ पे पंचायत के बर्तनों को लेके हो रही है महाभारत। कुछ कुछ बर्तन खो गए हैं पंचायत के तो ढूंढ रहे हैं क्योंकि कल गांव में दो जगह फंक्शन थे, एक हमारे घर पे और एक लब्बू का था बर्पन। तो कुछ पंचायत के बर्तन वहां गए थे, कुछ आए थे यहाँ और कुछ गायब हो चुके हैं तो कुछ ढूंढने पड़े हैं। अभी मिल जाएंगे, कहाँ जाएंगे पंचायत के बर्तन। और वहाँ दक्षु मिस्त्री बन रहे।
डिनर में बन रही है एक तो आलू मेथी की सब्जी, और बच्चों को पसंद है आलू के गुटके तो बनेंगे आलू के गुटके। और ये मसाले इसलिए रखे गए हैं क्योंकि अभी हम लोग मसालों के डब्बे लेके आए नहीं है। और देखो सामने मिरर में मैं दिख रही हूँ आपको। आज मेरा और मेरी जिठानी का मन था हम आग में रोटी बनाएं, लेकिन मैं तो बेल सही रही थी, बट जिठानी और मुझे आदत है नहीं आग में बनाने की, तो आप देख सकते हो हमारी रोटी फूल नहीं रही थी। तो फिर चाची ने बोला कि चलो मैं बनाती हूँ, तो चाची ने सेकी रोटियां और मैंने बेली। और यहाँ पे आज बन रही है गर्मा गर्म चूल्हों पे रोटियाँ, जो बना रही है हमारी मोनू चाची, हमारी आमा और मेरी माँ और मेरी माँ लेकिन पता है क्या हो रहा है, हम बेल रहे हैं। चाची क्या बोलते हैं, चंदू दी गई तो थी पकाने, लेकिन हमसे फूल नहीं पा रही है। सी बॉय, ये देखो गाइस, ये ऐसी रोटी खिलाते हैं ये लोग। ये देखो ये छिच्ची, ये देखो सिखाएगी हमें चाची, सिखाएगी फिर ना चाची सिखाओगी। अब हम चाची से सीखेंगे कि चूल्हे में रोटी कैसे बनती है। अब ये सासू को ऐसी रोटी खिला रही है, ये देखो ये हमारे दांत नहीं हुए तो हम कैसे खाएंगे। ये चाहते हैं जल्दी से सासू का लिक्विड खाने वाली हो जाए। क्या करें हम, बताओ चाची फटाफट बनाओ, फिर जागर में भी तो जाएंगे। जागर में हाँ, जागर में होता है 9-10 बजे होता है, पुत्र सुन ले, तब तक पुत्र को सुलाना है फिर जाना है। ओके गाइस, और अभी मम्मी लोग पीछे सेक रहे हैं आग, इनके बाद हम जाएंगे जागरों में। जागर लो, मामा नाम ने खा लिया, उसके बाद बाहर जलाया है सक्कड़ में आग, तो हम सेक रहे अभी आग। अब मैं बना देती हूँ बच्चे के लिए दूध। खाना खा के अभी हम घर के थोड़ा सा नीचे है जागर, तो हम लोग जा रहे हैं जागर में। देख लो गुड्डू आया, अरे तू यही जा रही है, बोला गुड्डू आएगा तभी मैं ना पड़ी तो उठो, अब नहीं जाना क्या अच्छी कर, उठा भी नहीं जा रहे अब देखो इतना खाती है। कैसा हुआ फिर चाची, चलो के रहे हो और क्या, भी कितने अच्छे आ रहे हो अब, क्या चाहिए इससे ज्यादा अच्छा। सब चुप हो गए, कैमरा ऑन कर रखा बोल, तो मंदिर से आ रहे थे वहाँ जागर देख के, जागर देखने गए थे, अब बैठ रहे हैं, कल ये बाजार जा रहे हैं, मुझे निसास लग रहा है, उदास पीछे लग रहा है। हम फिर आ जाएंगे, इनकी अलग ही हो रही है। चलो बाय, गुड नाइट चाची लोगों, मेरा बेटा परेशान कर रहा है, हाँ इसको नींद आ रही ना, बाय गुड नाइट, हाँ सबको कल मिलेंगे, कल नहीं अब हम कल चले जाएंगे, अब हम जब दोबारा आएंगे तब मिलेंगे, बाय गुड नाइट। मेरे पुत्र को नींद आ रहा है ना, इसलिए मम्मा और मैं जाले है ना, बोलो ना फ्रेंड। सब लोग बैठे हैं बाहर, आग सेक रहे हैं और बातें कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कल जाने वाले हैं, बट मैं आ चुकी हूँ क्योंकि ये बोल रहा है मम्मा निन्ना आ रही है करके। तो आज वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों ने मेरे गाँव के ब्लॉग इंजॉय किए होंगे। अगर आपको मेरे गांव के ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट, और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं कल आपको फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो गुड नाइट, और पर्दा देखो कितना सुंदर बना रखा है, कर्टेन अभी हम लोगों ने नहीं बनाए हैं इसलिए।